हमारे प्रधानमंत्री जी अजब गजब के व्यक्ति हैं। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, और ये चुनावी भाषण में कह रहे हैं बिहार में जाकर, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत माता की जय और जय श्री राम कहने में दिक्कत होती है, इसलिए इनको जवाब देने के लिए आप हमें सरकार में चुनकर लाइए। ये मुद्दा है भला? अगर सचमुच में भारत माता की ये जय करते और जय श्री राम में सचमुच में विश्वास करते तो आपको बता दूं कि ये देश के लिए कुछ करते, भारत माता की संतानों को नौकरियां देते, भारत माँ की संतानों को सुरक्षा देते, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देते, अच्छी शिक्षा व्यवस्था देते, मगर ये झूठ बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, चाहते नहीं कि आप जागरूक हो, इसलिए इनकी बातों में मत आइएगा। इनका एकमात्र लक्ष्य है कि आप लोग जागरूक मत हो, ये जो बातें बताए उसी में गोल गोल घूम के आप खो जाए और आपको समझ में ना आए कि आपको सचमुच में क्या करना चाहिए। ये झूठ बोल रहे हैं। जय श्री राम आपके दिल में होना चाहिए। अगर ये राम भगवान में सचमुच में विश्वास करते तो राम भगवान की तरह आपके लिए सोचते, जैसे राम भगवान अपनी जनता के लिए सोचते। और अगर मुद्दों की ही बात करनी है तो मुद्दों में देखिए, इधर पाकिस्तान हमारे को पछाड़ रहा है हंगर इंडेक्स में, इधर बांग्लादेश हमें पछाड़ रहा है जीडीपी में, 1200 स्क्वायर किलोमीटर अंदर घुस आया है चीन, हमारी जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ है, हमारे 15 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ये सब है मुद्दे। और शिक्षा जो देगा, स्वास्थ्य व्यवस्था जो ठीक करेगा, ऐसी सरकार को चुनना है। रोजगार, शिक्षा, ये होने चाहिए आपके मुद्दे, ना कि भ्रमित करने वाले ये मुद्दे जो बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी की बातों में बिल्कुल मत आइएगा, ये झूठ बोल रहे हैं। आप सच्चाई के साथ रहे, भारत माता को अपने दिल में रखे, राम भगवान को अपने दिल में रखे और सच का साथ दे, नफरत नहीं प्यार का साथ दे, भाईचारे का साथ दे, बेहतर राज्य के लिए, बेहतर बिहार के लिए। महागठबंधन की सरकार को ही चुनिएगा और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकिएगा सत्ता से।